Run. तो यार बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने अभी अभी रूम शिफ्ट किया है और फॉर द फर्स्ट पर्सन आई थिंक कि रूम ओनर के बेटे से अच्छा और कौन होगा। सो आई थिंक कि ये बेस्ट रहेगा और मुझे यहाँ शिफ्ट किए कम से कम एक या दो वीक तो हुआ ही होगा बस। तो ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे। इनफैक्ट हमारी तो अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन। तो दिल थाम के और ईयरफोन्स लगा के बैठ जाइए और करते हैं शुरू। तो पहला पर्सन हम लोगों ने सोचा इससे अच्छा और क्या रहेगा, बाकी पहले तो बता ही चुका है। तो भाई आपका नाम क्या, मैं भूल जाता हूँ बार बार। अलभ्य प्रकाश तिवारी। अलभ्य, हाँ। तो मैं जनरली तुमसे तीन क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी नॉर्मली सिली टाइप के रहेंगे सब। हाँ। और तुम्हें उसका आंसर देना, बस इतना ही। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। श्योर हो? हाँ। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। दूसरा क्वेश्चन ये है प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? मैंने तीन सुने थे, मेरी मैम ने बताया था एक बार। कौन कौन से? रेड, वाइट और एक और कोई बताया था जो मुझे अभी ढंग से याद नहीं है। नहीं नहीं थोड़ा और सोचो। रेड, वाइट और शायद ब्लू था शायद, इतना इसका मेरे को कंफर्म नहीं है आंसर। अच्छा, तो इसका ये है रेड, ब्लू और ग्रीन होता है, वाइट नहीं होता। हाँ। चलो कोई नहीं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैन आई ड्रॉ योर पोर्ट्रेट? यस। ठीक है, चलो ठीक है यार, पहला आदमी मिल चुका है, अब इसका बनाते हैं जल्दी से पोर्ट्रेट, फिर नेक्स्ट के पास जाएंगे। तो अब इस फोटो को यूजेबल बनाएंगे। तो यार वक्त की कमी और लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं, बाकी तो आप लोगों को तो पता ही है मैं कैसे बनाता हूँ, कौन सा टेक्निक यूज़ करता हूँ। और जिन्हें नहीं पता वो मेरे पुराने वीडियोस जाके देख ले, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक टेक्निक कैसे बनाते क्या करते हैं। और फिर ये पोर्ट्रेट मेरे दस्तखत के साथ कम्प्लीट होता है। तो यार पोर्ट्रेट बन भी गया और आप लोगों ने देख भी लिया, अब बस फ्रेम करके इसे देना रह गया। तो चलिए देने चलते हैं। बन गया है तुम्हारा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रिएक्शन बाद में देख लेना, पहले चलते हैं दूसरे व्यक्ति को ढूंढने जो कि 2 घंटे घूमने के बाद मिल गया। एंड दिस इज टोटली फ्रॉम नोवेयर। तो यार हम लोग को फाइनली सेकंड पर्सन मिल ही गया, काफी ढूंढना पड़ा, घंटे से घूम ही रहा है, अब फाइनली जाकर मिला है कोई। तो मैं, आपका नाम क्या है? नमिता। नमिता मैम का नाम है। हम लोग इसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद फाइनल क्वेश्चन, आप लोगों को तो पता ही है क्या होने वाला है। तो मैम पहला क्वेश्चन ये है कि सन से क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सन से क्लोजेस्ट प्लैनेट आई डोंट नो। फिर भी एनी गेस? लिटरली आई डोंट नो। ऑप्शंस दे तो, अर्थ, मार्स और मरकरी। I'm not sure. मरकरी सबसे क्लोजेस्ट है, मार्स नहीं है, मार्स बाद में आता है, अर्थ के भी बाद आता है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी ब्लू, रेड एंड आई थिंक येलो, थोड़ा सा ग्रीन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फाइनल क्वेश्चन ये है मैम कि कैन आई ड्रॉ योर पोर्ट्रेट? या श्योर। तो आप इंस्टाग्राम पे हैं? तो फिर हमने उनके ही इंस्टा से उनकी ही पसंद की उनकी ही पिक निकाली और अब हम जल्द से जल्द काम शुरू करते हैं, क्योंकि यार वैसे भी वक्त की भयंकर कमी हो रखी है। और अब इसी के साथ नाउ इट्स टाइम टू स्केच।
सो आई यूज़ द सेम ग्रिड टेक्निक एंड सेम टूल्स जो मैं पहले करता था। स्केचिंग कंप्लीट हो गया और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, तो इसी के साथ शेडिंग में बढ़ते हैं। सो दिस वन टुक अ लिटिल मोर टाइम। एज यू कैन सी, हेयर और इयररिंग्स में थोड़ा ज़्यादा डिटेल देना पड़ा। और अब रात भी बहुत हो चुकी है, मतलब सुबह ही होने वाली है, तो सुबह होने से पहले थोड़ा सो लेते हैं। लाओ लाओ, क्या है नाश्ते में? लो, ठूस लो। ये क्या दिया है? साला खाना हुआ देते हैं। ये क्या है? क्या ये है? खाएगा साले पक। तो यार पहले तो मैं चला नाश्ता करने, तब तक यू गाइस एंजॉय द रिवील। एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, रिएक्शन टाइम। तो चलते हैं पोर्ट्रेट देने। तो फाइनली भाई लोग, इंतजार खत्म हो गया, आ गई हैं नामिता मैम, उनको दिया जाएगा पोर्ट्रेट। तो कुछ एक्साइटमेंट मेरा? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो चलिए एक सेकेंड। ये रहा आपका पोर्ट्रेट। अभी खोलो, देख लीजिए, रिएक्शन अभी चाहिए। मान लीजिए इसके अगर इसके अंदर कुछ नहीं हुआ तो मैं ये मुंह सर में मार। ठीक है दिस इज नॉट फेयर। सच में फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने मेरी पोर्ट्रेट बना के दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो मिशन सक्सेसफुल रहा, पसंद भी आया इन्हें, बन गया है तुम्हारा। थैंक यू। खोल दो यार, मेरे से नहीं होना। अरे ऐसा तो नहीं जी, आप लोगों ने सो नाउ मैन्यू इफ यू थिंक इसमें मेरा क्या फायदा, तो यार सच बताऊं तो फायदे का तो पता नहीं, बट मुझे एक चीज पक्के से मिली, वो है खुशी। और मेरे वो दर्शक जो अभी भी खुश नहीं है हमसे, तो थोड़ा सब्र करो, ये तो बस शुरुआत है अभी। और अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।